आपको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन, उसमें क्लीमेंशन ऑफ चयन अभिक्रिया। पहला क्लीमेंशन ऑफ चयन अभिक्रिया, ये भी नेमेड रिएक्शन है। इसमें किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को, देखिए कार्बोनिल ग्रुप आपको बता दें, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो दो प्रकार का फंक्शनल ग्रुप बनाता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है दो प्रकार का फंक्शनल ग्रुप बनाता है। पहला जो ग्रुप होता है एल्डिहाइड होता है। कार्बोनिल ग्रुप पहला क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड जिसे हम लोग CHO ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? पहला जो ग्रुप होता है वो होता है एल्डिहाइड, और जिसे बोलते हैं हम लोग CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? CHO ग्रुप। दूसरा होता है कीटोन ग्रुप, देखिएगा दूसरा होता है कीटोन, और कीटोन को CO ग्रुप कहते हैं। यानी कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या कहलाता है? कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग क्या बना सकते हैं? यहाँ हम लोग बना सकते हैं जो है कि एल्केन, ठीक है। तो क्लीमेंशन ऑफ चयन अभिक्रिया, कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है, और जिंक अमलगम क्या है? जिंक अमलगम किसे कहते हैं? देखिएगा जिंक अमलगम को हम लोग ZN और प्लस HG के मिक्सचर को जिंक अमलगम कहते हैं, और सांद्र HCl के उपस्थिति में अभिक्रिया कराए तो क्या बनेगा? एल्केन का निर्माण होगा। CH2 ग्रुप में प्रवेश, इसमें क्या होगा? CO ग्रुप डायरेक्टली, ध्यान दीजिएगा इस अभिक्रिया में CO ग्रुप किस में चेंज हो रहा है? CO ग्रुप चेंज इनटू CH2 ग्रुप, किसमें? CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। इस अभिक्रिया में CO ग्रुप किसमें चेंज होता है? CH2 में। तो यहाँ CO ग्रुप किसमें चेंज हो गया? CH2 ग्रुप में। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया। अगला होता है वुल्फ किशनर अपचयन अभिक्रिया। इसमें भी कौन सा? कोई भी कार्बोनिल ग्रुप NH2 MN के उपस्थिति में, एल्किल सोडियम फिनोक्साइड की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? आपका यही CH2 परिवर्तन हो जाता है। यहाँ मतलब दोनों में क्या होता है? CO ग्रुप चेंज इनटू CH2 ग्रुप। यहाँ आपको क्या होना चाहिए? एमीन और एल्किल सोडियम फिनोक्साइड होना चाहिए। ये 180 डिग्री सेल्सियस पे किसमें चेंज होता है? CH2 ग्रुप में। यानी कि हम देखें दोनों अभिक्रिया में किसमें चेंज हुआ? एल्केन यानी कि CH2 ग्रुप में चेंज हुआ, और दोनों अभिक्रिया, एक क्लीमेंशन अभिक्रिया और एक वुल्फ अपचयन अभिक्रिया। क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया में देखिए जिंक अमलगम लिए थे, और वुल्फ किशनर अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया में आप क्या लिखे? C2H5OM लिए। बस दोनों में यही विशेष अंतर है। और अब दोनों की विशेषता आपको बता दें, दोनों अभिक्रियाओं की विशेषता क्या है कि दोनों अभिक्रिया, इसके पहले आप अभिक्रिया पढ़े थे जिसमें यील्ड हो रहा था किसका? नंबर ऑफ कार्बन की संख्या का यील्ड हो रहा था किसमें? बूटज अभिक्रिया में। आप बूटज अभिक्रिया में देखेंगे एक नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो है कि बूटज अभिक्रिया से अधिक कार्बन की संख्या प्राप्त होती है। हम कह दें कि बूटज अभिक्रिया के तुलना में बूटज अभिक्रिया से अधिक संख्या में बूटज अभिक्रिया से अधिक संख्या में कार्बन का उत्पाद देता है। यानी कि आपको अगर बूटज, हम ये कह दें कि बूटज अभिक्रिया से अधिक कार्बन की संख्या में उत्पाद लेना है तो आप दो अभिक्रिया कराइए, या तो क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया कराइए, नहीं तो वुल्फ किशनर अपचयन अभिक्रिया कराइए। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। और आज बस इतना ही, फिर हम लोग अगले रिएक्शन को अगले वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।